हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में। इसमें इस टॉपिक में पूरे टॉप 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। दोस्तों, ये करंट का टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल संसद में किसने पेश किया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल संसद में पेश किया था, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पास हुआ? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 311 वोट पड़े थे इसके पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपक्ष में 80 वोट पड़े थे विपक्ष में। और टोटल पूरे कितने वोट पड़े थे? तो पूरे पड़े हुए थे 391 वोट पड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से कब पास हुआ? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हुआ था नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से निम्न सदन से पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाने का अधिकार है? भारत सरकार को नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारत सरकार नागरिकता संबंधी कानून को बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार किस तारीख से पहले आए हुए नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगी? तो किस तारीख से पहले आए हुए नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले नागरिक आए हुए भारत में उन्हें नागरिकता मिल जाएगी इस विधेयक के तहत पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता विधेयक में क्यों संशोधन किया जा रहा है? तो नागरिकता विधेयक में संशोधन क्यों किया जा रहा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे देशों में नागरिकों को परेशान किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए नागरिकता संशोधन विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस प्रकार का अधिनियम है? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस प्रकार का अधिनियम है? यहाँ पर नागरिकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिनियम है ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, ये एक प्रकार का संवैधानिक अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े? तो राज्यसभा में कितने वोट पड़े थे पक्ष में? तो ये पड़े थे 125, ऑप्शन नंबर बी, और विपक्ष में पड़े थे 105 वोट और पक्ष में थे 125 वोट, और टोटल वोट कितने पड़े हुए थे? ये थे 230 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बांग्लादेश के हों या फिर पाकिस्तान के हों या फिर अफगानिस्तान के, कहीं के भी हों, तीनों देशों के, मतलब कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं तीनों देशों के जो नागरिक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी इस संशोधन के तहत में। भारतीय सॉरी
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? कितने अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो 6 अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत में। तो वो कौन कौन से हैं? एक पहला तो हो गया हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक कितने राज्यों पर लागू नहीं होगा? नागरिकता संशोधन विधेयक कितने राज्यों पर लागू नहीं होगा? तो 4 राज्यों पर, ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 राज्यों पर नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा। 4 राज्यों में, राज्य कौन कौन से राज्य हैं? एक तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, मिजोरम, सॉरी मिजोरम, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर नागरिकता संशोधन विधेयक ये कानून है ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में कब लाया गया था? पहला नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में कब लाया गया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में पहला नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो जुलाई 2016 में, ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया था, जुलाई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 6 बार संशोधन किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाएगा इस संशोधन के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा विधेयक है? तो लोकसभा में पास होने वाला कौन सा विधेयक है? तो ये 126वां विधेयक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 126वां विधेयक है ये लोकसभा में पास होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए तो सबसे पहले लोकसभा में वो पास होना चाहिए, दूसरा राज्यसभा में पास होना चाहिए, और तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा भी पास होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा पास होना चाहिए। तो मतलब कि तीनों चीजें जरूरी हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो हमने क्या बताया, लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए और राष्ट्रपति के द्वारा भी पास होना चाहिए, तब ये एक कानून बनता है। कोई विधेयक अगर पास करना है तो उसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा। अब दोनों जगह पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जब पास हो जाता है तो एक कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत वर्णित हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि वीडियो अच्छी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।